नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया है कि आपने टीवी ऑपरेटर्स को खरीद रखा है। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल का, जिसमें वो कह रहे हैं, मोदी जी ये क्या करवा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी से इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं आप। इस प्रकार से ट्वीट किया है, जिसके अंतर्गत ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने टीवी ऑपरेटर्स जो होते हैं, जैसे कि टाटा स्काई हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर और भी वीडियो कॉन जैसे डीटीएच हो गए, उनको खरीदा हुआ है और एबीपी न्यूज का प्रसारण नहीं करवाने दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट था, विनोद कापरी नाम का एक व्यक्ति जो कि एडिटर रह चुका है जी न्यूज और स्टार चैनल पर, तो उस व्यक्ति के एक ट्वीट को इन्होंने आगे बढ़ाया। उस व्यक्ति ने ट्वीट किया था, शॉक्ड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मैंने अभी खुद देखा, रात 9 बजे से पहले एबीपी न्यूज के टाटा स्काई पर पूरी तरह सिग्नल ठीक थे, लेकिन जैसे ही पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का शो शुरू हुआ, सिग्नल गायब हो गए, स्क्रीन काली हो गई। देखें वीडियो, एक वीडियो इस व्यक्ति ने शेयर किया है जिसमें ये दिखा रहा है कि सिग्नल कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कभी स्क्रीन अटक जाती है। इस प्रकार से इस व्यक्ति ने ये वीडियो में दिखाया है। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये काम करवा रहे हैं टाटा स्काई को कहकर, एयरटेल को कहकर, या भिन्न भिन्न चैनल्स को, भिन्न भिन्न ऑपरेटर्स को कहकर ये काम करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आइए पर्दाफाश करते हैं इस पूरे क्लेम का। आपने विनोद कापरी की जो स्क्रीन थी वो देखी होगी, उसमें जो नीचे सबसे नीचे का राइट हैंड साइड का जो कॉलम है उसमें आपको टाटा स्काई लिखा दिख रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाटा स्काई पर सिग्नल्स में प्रॉब्लम थी। इसके बाद एक व्यक्ति अहमदाबाद गुजरात से, उसने भी यही ट्वीट किया इसी सीरीज के नीचे, इसी ट्वीट की श्रृंखला के नीचे ये ट्वीट किया कि अहमदाबाद में भी टाटा स्काई पर सेम प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दोस्तों ये चीज यहीं नहीं रुकी, डिश टीवी पर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। एक व्यक्ति जिसका नाम दीप था, उसने ये ट्वीट किया, उसमें वीडियो दिखाया उसने कि डिश टीवी पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अभिषेक प्रताप सिंह, इसी ट्वीट्स की श्रृंखला में वो कहता है कि एयरटेल पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अगला व्यक्ति आता है सौरभ भट्ट, और वो कहता है वीडियोकॉन डीटीएच जो है वो भी सिग्नल प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो भी अपना सबूत दिखा देता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक दत्त समर्थ नाम का व्यक्ति आता है, वो कहता है कि बड़े ऑपरेटर्स ही क्यों, छोटे ऑपरेटर्स जो सिटीज में ऑपरेट करते हैं, यानी कि जो केबल ऑपरेटर होते हैं, उन पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है एबीपी न्यूज पर। आप देख सकते हैं जीटीबी नाम से ये केबल ऑपरेटर है, जीटीबी नाम से किसी लोकल ऑपरेटर का नाम है, वो अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज नहीं दिखा पा रहा है। आगे चलते हैं, अगला व्यक्ति आता है संतोष झा, ये भी एक केबल ऑपरेटर जो है, सिग्नेट नाम से केबल ऑपरेटर है, उसका स्क्रीनशॉट दिखाता है और कहता है कि यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं एबीपी न्यूज़ के। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या देखा, हमने ये देखा कि बड़े ऑपरेटर्स जो हैं उनको सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहे थे एबीपी न्यूज़ के, और जो छोटे ऑपरेटर्स होते हैं, जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं छोटे छोटे शहरों में, जिनके कुछ सैकड़ों ही ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो भी सिग्नल प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। हमने जीटीपी के बारे में देखा जो कि एक लोकल केबल ऑपरेटर है, सिग्नेट जो कि एक लोकल केबल ऑपरेटर है, उस पर भी हमने यही हाल देखा एबीपी न्यूज़ का। तो दोस्तों अब प्रश्न खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी बड़े ऑपरेटर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हर शहर में जो ऑपरेटर हैं उनको फ़ोन कर करके भी नरेंद्र मोदी ने कहलवाया है कि आप एबीपी न्यूज़ मत चलने दीजिए? क्या कोई छोटे से शहर में एक छोटा सा केबल ऑपरेटर नरेंद्र मोदी के पीएमओ से कॉल प्राप्त कर सकता है कि आप एबीपी न्यूज़ मत दिखाइए? बड़े ऑपरेटर्स का मैं मान सकता हूं कि अगर इस प्रकार का कोई कुचक्र चल रहा है उसका सबूत के साथ जांच होनी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे ऑपरेटर्स, छोटे छोटे केबल ऑपरेटर्स को किस प्रकार से ये काम करवाया जा सकता है, ये सवाल खड़ा करता हूँ मैं अरविंद केजरीवाल के सामने। आपकी तार्किक बुद्धि इस मुद्दे पर क्या कहती है? मेरी बुद्धि कहती है कि यह काम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहां तक इस बात से यह साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ तो एटलीस्ट
इन ऑपरेटर्स को खरीदने में नहीं है। एबीपी की न्यूज़ के सिग्नल ना पकड़ने की जो कहानी है उसका सच अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप टाटा स्काई का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे जिसमें टाटा स्काई ने स्पष्टीकरण दिया है, Hi, the issue is intermittently from ABP broadcasters and ABP broadcaster के एंड से ये इशू आ रहा था जिसको कि इस व्यक्ति ने उछाल दिया है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इसका बवाल बना दिया है। तो दोस्तों ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नहीं है, लेकिन अब आगे की बात साबित करना रह जाता है। अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी इस घटना के पीछे नहीं है, लेकिन केजरीवाल जो हैं वो ज़रूर खरीद लेते हैं रिपोर्टर्स को। आपको याद होगा केजरीवाल का क्रांतिकारी प्रोग्राम, जी हाँ, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहा कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेकर, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। ओके, वो मिडिल क्लास का बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया, उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है फरीके साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। तो दोस्तों आपने सुना कि किस प्रकार से केजरीवाल कह रहे हैं कि ये हिस्सा जो मैंने इंटरव्यू में बोला है ये ज़्यादा चला देना, और उसके बाद पुण्य प्रसन्न वाजपेयी कहते हैं क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी, जी हाँ क्रांतिकारी रिव्यूज़ आएंगे जब मैं ये हिस्सा चला दूंगा। तो किस प्रकार से एक दूसरे की गोदी में ये लोग बैठे हुए थे हम जान सकते हैं इसी बात से। यह हिस्सा, ये स्ट्रिंग लीक हो गया था जिसके कारण से ये चीज़ सामने आ पाई, अन्यथा हम लोग कभी जान ही नहीं पाते। आप देख सकते होंगे कि अरविंद केजरीवाल के पीछे एक भगत सिंह की फ़ोटो लगाई है पुण्य प्रसन्न वाजपेयी के इंटरव्यू में, जी हाँ, ताकि एक मैसेज जा सके, क्रांतिकारी मैसेज जा सके। तो किस प्रकार से लोगों को भ्रम में डालने की स्थिति ये लोग पैदा करते हैं ये इससे साबित हो जाता है, और किस प्रकार से पत्रकारों को खरीदा जाता है ये भी इससे साबित हो जाता है। हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि कौन खरीदारी कर रहा है, केजरीवाल या नरेंद्र मोदी। हमने आपको पूरे प्रूफ के साथ ये चीज़ साबित करके दिखाई है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने विचार हम तक रख सकते हैं, कमेंट्स कीजिए इस वीडियो पर और सच्चाई का साथ दीजिए शेयर करके इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस के लिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर।